सभी को जय हिंद और गुड इवनिंग। वी आर लाइव आई थिंक। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। कैसे हैं सारे बच्चे? अपनी अपनी प्रेजेंस दर्ज कराएं एएसएपी। गुड इवनिंग मुकेश, हाउ आर यू? चलिए भाई, कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग? चलो भाई, आ जाओ सारे लोग जरा चैट बॉक्स में, और बिना लेट लपाटे के पहले तो अंगूठा दबा दो। चार लोग अवेलेबल आ चुके हैं। रवि हैं, मुकेश हैं, और कोई दो लोग हैं जिनका नाम नहीं आ पा रहा है। आई डोंट नो हु दोस अदर्स आर। तो बच्चा, शुरू करते हैं आज का यह सिलसिला। छह लोग अवेलेबल हो चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए इससे पहले कि सेशन स्टार्ट हो। फिर से आज आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ सिखाने वाला हूँ बच्चे। एंड मैं रोज़ बोलूँ कि इसका क्या फ़ायदा है, ये बेहतर है बच्चे कि आप इसका फ़ायदा आने वाले एग्ज़ाम में इसका देखेंगे। लेकिन फ़ायदा तो है, यूं ही नहीं मैं समय व्यर्थ करता आपका या अपना। तो संदीप यादव, गुड इवनिंग। आदित्य साहू, जय हिंद। और 670 लोग हो चुके हैं आज हम लोग। तो आप सभी का धन्यवाद, जितने भी लोग, 670 लोग अवेलेबल हो चुके हैं आज हमारे चैनल पर। सो बच्चा, थैंक यू सो मच। और धीरे धीरे ये 670, एक दिन 670K भी लगेगा, है ना? 6,70,000। आदित्य यादव, जय हिंद। अतुल तिवारी, जय हिंद। तो बच्चा लोग शुरू करते हैं। 9 लोग अवेलेबल हैं और आज का सेशन शुरू करते हैं। आज है दूसरा दिन हमारे इस प्रोग्राम का, जिसमें से आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। दूसरे दिन, ये दूसरा हैशटैग लगा हुआ है क्योंकि सेकेंड डे है। और इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि एक सेंचुरी पूरी लग जाएगी, लग ही जाएगी। 100 डेज हैशटैग लिखकर आएगा एक दिन। तो बच्चे, उसके लिए अपने को मेहनत करनी है, मुझे भी और आपको भी। आप मेरा साथ देते रहेंगे तो 100 डेज बिल्कुल हो जाएंगे कंप्लीट। आदित्य साहू का प्रणाम स्वीकार करें। बिल्कुल बच्चे, एबीवीपी ब्लॉक संयोजक। अच्छा, ये भी कर लिया क्या? चलो भाई, मुबारक हो ब्लॉक संयोजक साहब, है ना? खुश रहो आदित्य साहू, आशीर्वाद। चलो बच्चा, फिर शुरू करते हैं। जरा मैं इसको, अपना जो थोबड़ा है इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ थोड़ा सा, सो दैट यू गाइज कैन सी दी पिक्चर। लेट मी क्रॉप इट अ लिटल बिट। ओके, सो आई थिंक इट वुड बी शफी सफिशेंट। मैं इतना काफ़ी हूँ, ठीक है? चलिए ठीक है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मेरी शक्ल दिखाई दे रही है और इतने से आप लोग चला लेंगे काम। चलो फिर, लेके हरी का नाम, जय बजरंग बली, शुरू करते हैं आज का काम। ओके, बच्चे पहली स्लाइड एज यूजुअल हम ओपन करते हैं। और आज है डिफरेंट क्वेश्चंस रोजाना से। तो वो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं कौन से? कल हम लोग कुछ और क्वेश्चन पढ़े थे। कल हमारे पास पीकी वायरस था और एरर डिटेक्शन था। आज हमारे पास सबसे पहले एरर डिटेक्शन है। ध्यान रहे, जिन भी वाक्यों में बच्चा ये नो एरर लगा होता है, ये एरर डिटेक्शन है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर हैं। एनडीए 2019 में ये जो क्वेश्चन आए थे, ये उन्हीं को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एनडीए 2019 के हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं मेरे भाई, आज जो 2019 के ही हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ और क्वेश्चन हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे। पहला जो सेंटेंस है हमारे पास, सो लेट्स रीड द फर्स्ट सेंटेंस। ऑलवेज ट्राई टू रीड द सेंटेंस एंड देन ट्राई टू गेट द आंसर। ही हैड अराइव्ड एट कायरो अ फ्यू मंथ्स बिफोर प्रोटेस्ट शुक द अरब वर्ल्ड। चलिए, इसका आंसर कौन बताएगा कि वो कायरो पहुंचा था कब? कायरो कब पहुंचा था? जब अरब में प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, विरोध शुरू हुए थे, विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे, उसके कुछ ही महीने पहले वो पहुंचा था।
आंसर कौन बताएगा इसका? फटाक से बताइएगा बच्चा लोग, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो कैसे हैं आप लोग? सर मुझको यही नहीं आता बस ग्रामर में। कोई बात नहीं बच्चे आदित्य साहू, सीख जाओगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, एनडीए में कोई बहुत तोप नहीं आता है। हाँ, एयरफोर्स और एनडीए के मुकाबले अगर हम बात करें दोनों में तुलना की, तो ग्रामर में बदलाव नहीं होता है, बशर्ते कि थोड़ा डीप ग्रामर, एज वेल एज ये होता है कि एनडीए में क्वेश्चंस लंबे पूछे जाते हैं, बच्चों वाले नहीं आते, मतलब थोड़ा सा सेंटेंसेस को लेंदी कर दिया जाता है। सामाजिक सेंटेंस होते हैं, पॉलिटिकल सेंटेंसेस हो जाते हैं। एफ आर सिंगल वन के से पहले लाइव स्ट्रीम कैसे सर? एफ एफ सिंगल बच्चे वन के पे मोबाइल अगर आप करना चाहते हैं स्ट्रीमिंग तो मना होता है, उसके पहले आप कर सकते हैं। ठीक है, सिग्नल, एफ एफ सिग्नल भाई जो भी हो, है ना, नाम नहीं पता है, बट विदाउट वन के यू कैन यूज़ सम स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर्स एंड ओके। वन का बी आंसर बताया जा रहा है फिलहाल, इसमें किसी का आंसर मुझे पता है सही नहीं होगा बच्चे। इसका आंसर है वन का ए। मैं आप लोग को बता देता हूँ बच्चे, यहाँ पर ही हैड अराइव्ड। आपको एक कोई डिफेंस का कोई इंस्टीट्यूट है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बोला था कि यहाँ पर हैड नहीं होगा, यहाँ अराइव्ड होगा। बट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर पास्ट में दो एक्शन एक के बाद एक हुए होते हैं, कहने का मतलब एक एक्शन बाद में और एक एक्शन उस एक्शन के बाद में, कहने का मतलब है दो काम पास्ट में, तो जो काम पहले हुआ होता है बेटा, है ना, जो काम पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। तो टेंस हमारा सही था, प्रॉब्लम हमारे पास थी प्रेपोजिशन की। एट की जगह बच्चे यहाँ पर होना चाहिए था इन। ठीक है, कायरो जो है बच्चे ये कैपिटल का नाम है। किसका नाम है? कैपिटल का। और किसकी कैपिटल है मैं बता देता हूँ, कायरो कैपिटल है बच्चे इजिप्ट की। किसकी? इजिप्ट की। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर गलत ही लगाया था, ज़्यादातर ने सोचा टेंस का प्रॉब्लम है, बट टेंस का प्रॉब्लम नहीं था, प्रेपोजिशन का प्रॉब्लम था बच्चे। याद रहे, हम किसी भी जब सिटी की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, इन का इस्तेमाल हम सिटी के लिए कर देते हैं बेटा, ठीक है, कंट्री के लिए कर देते हैं, एज वेल एज हम स्टेट के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? इनका इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमें शहर में, प्रदेश में या देश में या दुनिया में अपनी मौजूदगी बतानी है, तो हम क्या करेंगे बच्चे? इनका इस्तेमाल करेंगे। ही अराइव्ड इन कायरो, राइट? सही प्रेपोजिशन इन हो जाएगा इन प्लेस ऑफ एट। तो सीख लीजिएगा कि इनका इस्तेमाल बच्चे हम करेंगे जब बड़े शहर की बात करते हैं तब। हाँ, गांव वगैरह की बात करते हैं तो एट लगा दिया जाता है, या छोटे प्लेसेस के लिए पोजिशन में एट लगा दिया जाता है। सर यूट्यूब बटन कितने पर आता है? पहला बटन बच्चे जो आता है वो 1 लाख पर आ जाता है। 1 लाख यानी कि आपका 99.9K के बाद जो आता है तो आ जाता है 1000 इस तरह से। ये फिर फर्स्ट बटन 1 लाख के बाद आता है। चलो बच्चा, मोस्ट ऑफ अस हु आर ओल्डर कॉम्पिटिटिव रनर्स आर नॉट एबल टू रेस एनी वेयर एट द सेम स्पीड एज वी डू वेन वी वर 30। ये बोला जा रहा है सेंटेंस में कि हम लोग बहुत सारे, अब क्या हो गए, हम में से बहुत सारे लोग जो ओल्डर कॉम्पिटिटिव रनर्स हैं, पुराने क्या करते थे, प्रतिस्पर्धा करने वाले लोग, रनर थे हम लोग पहले, और अब उतने सक्षम नहीं है रेस करने के लिए कहीं पर भी उस स्पीड में, बराबर की स्पीड में अब हम रेस नहीं कर सकते हैं जितना कि हम जब 30 की उम्र में थे तब कर लेते थे। इसका सही आंसर जो बता देगा उसकी बुद्धि में कुछ ग्रामर आती है। बच्चे फटाक से इसका आंसर बताइएगा, अगर आपको जरा सी भी ग्रामर आती है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। 100K सिल्वर प्ले बटन, ठीक है, अपने जन्म स्थान पर भी इन लगाया जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल लगा सकते हो, बट जन्म स्थान सिटी अगर नहीं है, विलेज है, तो एट लगा सकते हो। ठीक है, आंसर बताइएगा इसका क्या होगा, ए बी सी में क्या आंसर होगा? मोस्ट ऑफ अस हु आर ओल्डर कॉम्पिटिटिव रनर्स आर नॉट एबल टू रेस एनी वेयर एट द सेम स्पीड एज वी डू वेन वी वर 30। नो एरर, आंसर बता दीजिए फटाक से इसका क्या होगा। जो भी बताएगा आंसर मिलेगा उसको 1 रुपया, किसी को नहीं दूंगा कोई रुपया मैं, है ना, पैसे दे दे के तुम लोग की आदत खराब होती जा रही है। चलो खैर, आ जाते हैं भैया, किसी का आंसर नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है बच्चा लोग? तुम लोग आंसर लगा नहीं पा रहे हो या फिर समझ नहीं आ रही चीज़ें? भाई अगर तुमने जीवन में कहीं पर भी ग्रामर पढ़ी है तो आपको थोड़ा बहुत तो कुछ बताया गया होगा, और बताया गया होगा तो आप उसका इस्तेमाल करिए, यहाँ पर अपने इंट्रेंसिक, अपने नॉलेज का इस्तेमाल करिए, है ना। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, हलवा सेंटेंस है। 2 का C बता रहे हैं आदित्य कुमार यादव, ठीक है, 2 का B बता रहे हैं साहू। तो भैया साहू जी तुम्हारा है आंसर गलत,
और सही आंसर है आदित्य यादव का। आदित्य यादव ने आंसर जो बताया है वो सी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें गलती क्या थी, एज वी डू यहाँ जो लिखा हुआ है बच्चे, इस डू के प्लेस पर हो जाएगा डिड। ठीक है, डू का मतलब होता है बच्चे प्रेजेंट, डू का मतलब क्या होता है प्रेजेंट, और डी का डूड का सॉरी डिड का मतलब क्या होता है पास्ट। तो हमें सेंटेंस में क्या लिखा हुआ था, हम बोल रहे थे कि एज वी डू व्हेन वी वर 30, जब हम 30 वर्ष के थे तब हम ऐसा कर पाते थे। तो पाते थे के लिए यहाँ पर डू ना होकर क्या होना चाहिए था, डिड होना चाहिए था। डू तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है बेटा। तो जिसका भी आंसर सही है वो उसका नाम है बच्चे। एफ एफ सिग्नल ने बी सी डी तीनों आंसर दे दिए मेरे भाई, सब कुछ लगाओगे क्या, ऐसे विकल्प चुनोगे? तो भाई आंसर जो होगा वो आदित्य यादव का, मुकेश का सही है, जिन्होंने सिर्फ एक एक आंसर दिए थे। ओके, विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्ड। बच्चे फटाक से इसका आंसर दीजिएगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू डू नॉट फेल। इसमें आपको एक ग्रामर का रूल मैं बताऊंगा, ध्यान रखिएगा, ग्रामर जरूर सीखते चलिएगा, क्योंकि इसी के थ्रू जो ग्रामर हम सीखेंगे, मानकर चलिए कि 60-70% प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर करना बहुत आवश्यक है, और प्रीवियस ईयर का मैं इसीलिए एक्सप्लेनेशन करते जा रहा हूँ अपने आधार पर, और आपको चीज़ें समझाता चल रहा हूँ। क्वेश्चन हमारे पास बहुत आसान है, वर्क हार्ड लेस्ट यू डू नॉट फेल। लेस्ट का मतलब होता है बच्चे कहीं ऐसा ना हो, और यह एक कंजक्शन है, कहीं ऐसा ना हो। ठीक है, कड़ी मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट LEST, इसको पढ़ा जाता है लेस्ट। और हमारे पास एक शब्द होता है बच्चे लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम। ठीक है, सबसे कम, यहां मैंने कम लिखा है, सिर्फ सबसे कम लिख दीजिएगा। थ्री का बी आंसर आ चुका है मुकेश का। सर मैं एरर दूं नहीं पता, कोई ट्रिक बताइए। मेरे भाई ट्रिक क्या, धीरे धीरे रूल सीखते रहो आदित्य साहू बच्चा, सब समझ में आ जाएगा, नॉट टू वरी। ओके, डोंट वरी, धीरे धीरे ये चीज़ें सीखते चलो रूल को, अगली बार ऐसा सेंटेंस मिलेगा। भाई एफ एफ सिग्नल का आंसर है गलत, थर्ड का बी दिया है मुकेश ने, शाबाश मुकेश, वेरी गुड। मुकेश का आंसर बिल्कुल सही है। भाई एक चीज़ ध्यान रखना बेटा जीवन में, लिस्ट के साथ कुछ चीज़ें हम कभी नहीं लगाते हैं। देखना एरर किस चीज़ का आता है, लिस्ट के साथ पहली एरर जो आती है वो आती है डू नॉट की, दूसरी एरर जो जनरली दी जाती है लिस्ट के साथ की वो होती है विल नॉट की। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखोगे कि लिस्ट अगर आया है तो उसके बाद हम किसका इस्तेमाल करेंगे, शुड का इस्तेमाल करेंगे। अगर डू नॉट लगा है तो वो गलत होगा, विल नॉट लगा है तो वो भी क्या होगा बेटा, गलत होगा। पंकज का भी आंसर है सही, आदित्य कुमार यादव का आंसर है गलत। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करिए कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो यहां पर डू नॉट पूरा हट जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, यू शुड फेल बच्चे, शुड नॉट नहीं लिखा जाएगा, ध्यान रखना। लेस्ट का मतलब ही होता है कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल ना हो जाओ, ऐसे तो नहीं बोला जाएगा। तो जब सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव सेंस देता है, जब शब्द ऑलरेडी नेगेटिव सेंस देता है, तो उसमें नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत बार इस तरह के एरर आए हैं बच्चे, SSC, बैंक, हर जगह ऐसे ही एरर आते हैं, लेस्ट के बाद शुड आता है। सचिन तोमर का आंसर, शाबाश बेटा। ठीक है, तो डू नॉट अगर आया है तो काट देंगे, विल नॉट आया है, शैल नॉट आया है तो काट देंगे, उठाकर सिर्फ शुड इस्तेमाल करेंगे आफ्टर द लेस्ट। लिखने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि लेस्ट लाते हैं बच्चे, फिर हम एक सब्जेक्ट ले आते हैं, और सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। हम लेस्ट के बाद क्या लाते हैं बच्चा, शुड, क्योंकि मॉडल व अपर सब्जेक्ट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये देखिए इंडिया कितने हैवी हैवी क्वेश्चन आते हैं, ये सब 2019 के क्वेश्चन है, एरर डिटेक्शन के तेल निकल जाता है इन क्वेश्चंस को रीड करने में। शशिकांत पांडे भाई नमस्कार, कैसे हो बच्चा? ठीक है भाई, द ईस्टर्न घाट्स आर होम ऑफ 26 प्लांट स्पीसीज एंड दिस हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कैन पोज अ सीरियस थ्रेट टू एंडेमिक प्लांट्स। देखिएगा, पोज मतलब होता है प्रोवाइड करना या देना, और थ्रेट का मतलब होता है बच्चे खतरा। चलिए आंसर बताइएगा इसका क्या होगा, बहुत लंबा सेंटेंस है, समझ नहीं आता है कहाँ से पढ़े कहाँ से ना पढ़े। जय हिंद सचिन। ओके, कीप टेलिंग द राइट आंसर्स। द ईस्टर्न घाट्स आर होम ऑफ 2600 प्लांट स्पीसीज एंड दिस हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कैन पोज अ सीरियस थ्रेट टू एंडेमिक प्लांट्स। एंडेमिक वर्ड बड़ा अच्छा है, सीमित होता है इसका मतलब, पैंडेमिक का ऑपोजिट होता है किसका, पैंडेमिक का, जो कोरोना वायरस पैंडेमिक है, सर्वव्यापक जिसको बोलते हैं व्यापक, इसका ऑपोजिट होता है एंडेमिक यानी सीमित, लिमिटेड। पैंडेमिक क्या हो जाती है, फैल जाती है, पैन हो जाती है, प्रेजेंस अक्रॉस नेशन। ठीक है,
पैंडमिक को ऐसे याद रखा करो, उसमें पैन लगा हुआ ना, तो इसका मतलब होता है प्रेजेंस, इसका मतलब अक्रॉस, इसका नेशन यानी कि राष्ट्र में जिसकी प्रेजेंस हो जाती है, पूरा व्यापक हो जाता है, पैंडमिक कहलाता है। आंसर बताइएगा इसका फटाक से, कितने लोगों को इसका आंसर पता है? द ईस्टर्न घाट्स और डैश 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 डैश, फटाक से बता दो आंसर इसका। मेरा वीडियो बड़ा रुक रुक के चलता है, लैपटॉप खरीदना पड़ेगा लग रहा है इसी वर्ष। वैसे वीडियो के लिए TFT ज़्यादा मज़ेदार रहता है, वही ले लिया जाएगा। चलो भाई आंसर बता दो इसका, कौन बताएगा? ए, शाबाश मुकेश ने आंसर दिया है। ए भैया, एक आंसर आ जाएगा तो मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर देता हूँ, बाकी लोग अपना आंसर दे दीजिएगा। ए है बिल्कुल, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो होम लिखा हुआ है, इस होम को हम कर देंगे प्लूरल, ठीक है, होम को हम कर देंगे प्लूरल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है वो घाट्स, बहुत सारे घाट हैं, बहुत सारे घाट हैं, तो बहुत सारे क्या बनेंगे, घाट भी वहाँ पर होम बनेंगे। कहने का मतलब है, बोला ही जा रहा था कि 2600 प्लांट स्पीसीज का क्या है, उनके टाइप का प्रजाति होता है, स्पीसीज का मतलब 2600 तरह की प्रजातियों के प्लांट का वो क्या है, घर है। तो घाट्स आर होम्स फॉर होगा, क्योंकि प्लूरल नंबर है इसलिए होम की जगह होम्स का इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत सारे घाट्स हैं और बहुत सारे घाट्स में बहुत सारे होम्स होंगे उन 2600 प्लांट्स के लिए। तो आंसर जिनका सही था वो था सचिन, मुकेश, साहू, आदित्य, इन लोगों का। वेरी गुड भाई, शाबाश। ओके, विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 बचे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। टर्बिडिटी करंट इज अ फास्ट मूविंग करंट दैट स्वीप्स डाउन सबमरीन कैनन्स कैरिंग सैंड एंड मड इन टू द डीप सी। इसका बताइएगा आंसर क्या होगा, ठीक है सचिन एंड एवरीबॉडी एल्स, आई हैव गॉट योर आंसर्स, प्लीज टेल द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। पंखा चला ले, थोड़ा गर्मी लग रही है। आंसर बताना बेटा। शुभम सिंह, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन लाइव सेशन। वेलकम कहाँ, कल 12 थे या 10 हो गए, कल 16 भी पहुँचे थे। कोई ना, जो आएगा वो पाएगा, जो नहीं आएगा वो सो जाएगा, है कि नहीं? चलो भाई आंसर बताओ फटाक से इसका भी, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ बच्चा लोग। कीप टेलिंग द आंसर्स, बी एक्टिव गाइस, थोड़ा एक्टिव रहा करो, सेंटेंस पहले रीड किया करो। टर्बिडिटी करंट इज अ फास्ट मूविंग करंट, टर्बिडिटी क्या है, ये फास्ट मूविंग करंट होता है दैट स्वीप्स डाउन सबमरीन कैनियंस, सबमरीन कैनियंस जो होता है उनको क्या कर देता है, पूरा स्वीप डाउन कर देता है यानी पूरी तरह से हटा देता है। कैरिंग सैंड एंड मड इन टू द डीप सी, ठीक है, वो क्या करता है, ये जो करंट क्या मतलब करंट, वो बिजली वाला करंट नहीं है, इसका मतलब होता है वैसे धारा, ठीक है, करंट मतलब धारा। तो टर्बिडिटी करंट जो होती है वो बहुत तेज करंट होता है, बहुत तेज धारा होती है, वो करता क्या है, ठीक है, डीप सी में सारी मिट्टी और सारी बालू को खींच ले जाता है। विच बता रहे हैं, अच्छा वेरी गुड भाई, शाबाश। फिलहाल बच्चे इस सेंटेंस का आंसर जो है वो बी है, तुक्का बी, गलत। FF सिग्नल बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे इसका आंसर सही है, जबरदस्ती दैट को विच में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो? सही तो लिखा हो, टर्बिडिटी करंट, एक सेकंड मुझे रीड कर ले दो। द फास्ट मूविंग करंट विच स्वीप्स डाउन सबमरीन कैनन्स, दैट सही तो है, दैट इज ऑलरेडी सफिशियंट, जरूरी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। दैट का ना कंपलसरी तब हो जाता है जब ऑल, एवरी वन वगैरह शब्द लगे होते हैं, लेकिन ये थोड़ी कभी कहा गया है कि दैट को हम विच से रिप्लेस नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। दैट इज अ वर्ड विच इज ऑलरेडी राइट। विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर्स 5, आंसर डी, नो एरर लगेगा बच्चा इसमें, ठीक है, जबरदस्ती के एरर मत निकाला करो, जबरदस्ती का ये किसने बोल रखा है कि भाई दैट नहीं लगा सकते हैं हम विच की जगह पर, बिल्कुल लगा सकते हैं। सही है, ऐसे कॉन्सेप्ट मत पढ़ा करो जिनको गलती हो जाए बाद में। चलो ये क्वेश्चन जो है बच्चे, ये वर्ब का क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और मैंने बहुत सारी क्लासेस में इसको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, अगर ये सेंटेंस नहीं आया तो जीवन में हमारा पढ़ा समझ में नहीं आएगा।
एवरी वन ऑफ द बॉयज लव टू राइड। आंसर बताइएगा इसका फटाक से, ए बी सी डी में से कौन सा आंसर लगेगा बेटा? सबका आंसर गलत था उसमें, सब विच लगाने के चक्कर में पड़े हुए थे। क्यों बेटा, कहाँ से पढ़ लिए हो कि विच को जबरदस्ती लाया जाता है? कहीं ये तो नहीं लिखा देखा होगा कि नहीं दैट हम ला ही नहीं सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। बताओ भाई इसका आंसर। एवरी वन ऑफ द बॉयज लव टू राइड, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन है। ओके, शुभम सिंह हैज गिवन द राइट आंसर, शाबाश। शुभम ने दिया है सर सी आंसर होगा, या लव की जगह बच्चे क्या हो जाएगा, लव्स हो जाएगा। और उसकी सिंपल सी वजह है, लव्स होती है वर्ब की एस और ईएस वाली फॉर्म, जिसको हम पांचवी फॉर्म बोलते हैं, एस और ईएस वाली फॉर्म, ठीक है, ये फिफ्थ फॉर्म। और ये लगाई जाती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है एवरी वन, एवरी वन जो है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए हम क्या करते हैं, एस और ईएस का इस्तेमाल करते हैं। सही आंसर बच्चे इसका लव्स होगा। ये सिग्नल भाई के और पंकज के तो आंसर सब गलत है। शुभम बेटा सही था तेरा आंसर, एवरी वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से हर एक राइड करना पसंद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चे कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑफ के बाद आने वाले शब्द को करार दिया जाता है, नाम बोल दिया जाता है उसका कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑफ के पहले जो शब्द होता है उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के चैप्टर में एक बात हमेशा ध्यान रखनी होती है कि जो वर्ब होती है बेटा वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल होती है। वर्ब भले ही हेल्पिंग वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब ना हो, हो सकता है डायरेक्ट मेन वर्ब दे रखी हो, जैसा कि इसमें दे रखा है। तो सिंपल सी बात है, इस सेंटेंस का आंसर बच्चे लगेगा सिक्स का सी लगेगा इसका आंसर। रिट्रैक्ट मत किया करो, गलती हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं बच्चे रिट्रैक्ट करने से, हम तो आंसर देख ही लेते हैं ना? चलो इसका हो जाएगा लव्स हो जाएगा बच्चे। लव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, क्या होती है बच्चे, फर्स्ट फॉर्म होती है लव। हमने लगा दिया लव्स एस और ईएस। अगर हम एवरी वन की जगह लिख देते सम, क्या लिख देते, सम लिख देते, या सम की जगह हम लिख देते एवरी वन की जगह सॉरी बोथ लिख देते, तो बोथ मतलब क्या हो जाता, दो। कुल मिलाकर ऑफ के पहले जो शब्द आएगा उसके आधार पर हम जज करेंगे कि हमारे पास वर्ब कैसी होगी। अब ऑफ के पहले एवरी वन, एवरी वन का मतलब होता है बच्चे प्रत्येक, प्रत्येक बोले तो सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर के लिए लगेगा बच्चे लव्स। शाबाश शुभम। अगला क्वेश्चन फिर से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का है, या हम कह सकते हैं कि यह क्वेश्चन कंजक्शन का है, ठीक है, कंजंक्शन का है। जिसने कंजंक्शन जीवन में एक बार भी पढ़ा होगा ये दो कौड़ी का क्वेश्चन अवश्य आएगा, लेकिन कंजंक्शन से वर्ब की एरर दी जाती है इसलिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में उसको ऐड किया जाता है। आंसर दीजिएगा इसका फटाक से, नाइदर नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम टू अफेक्ट हिम, यानी कि ना तो प्रशंसा ना ही आरोप, सीम मतलब दिखते हैं, टू अफेक्ट हिम उसे प्रभावित करते हुए दिखते हैं, है ना, मतलब वो ना तो प्रेज से प्रभावित हो रहा है ना ही ब्लेम से, आरोप लगाने से वो प्रभावित नहीं हो रहा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आंसर बताइएगा बच्चा इसका क्या होगा, नाइदर नॉर का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही होगा कि नाइदर के साथ बच्चे ध्यान 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 देना, नाइदर के साथ क्या करते हैं हम नॉर का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वेरी गुड शुभम, शुभम ने आंसर दे दिया सर बी होगा, ठीक है भाई। जो सीम वर्ड लिखा हुआ बच्चे ध्यान देना, सीम वर्ड जो लिखा हुआ है यह है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो लगता है प्लूरल के लिए। तो शुभम ने कहा सर सीम की जगह होगा सीम्स, अभी हमने जो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा सेम कॉन्सेप्ट पर यह सेंटेंस है आपका एनडीए में आया हुआ, एक ही वर्ब के सबसे ज़्यादा एरर आते हैं लेकिन वर्ब का चैप्टर आप कभी पढ़ते ही नहीं, वर्ब को अच्छे से समझ लो बहुत काम आएगी। देखो बच्चा करना क्या होता है, कभी भी नाइदर नॉर आता है तो ध्यान देना नॉर के पास वाला सब्जेक्ट जैसा हो, सॉरी ऐसे समझते हैं कि नाइदर नॉर के केस में जहां वर्ब आई हो तो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट हम चुनते हैं। अब ये वर्ब है सीम, सीम मतलब दिखता है, और सीम के पास वाला सब्जेक्ट क्या है बेटा, ब्लेम, ब्लेम का मतलब आरोप, और ये एक्चुअली यहां पर फिलहाल क्या है, एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ब्लेम शब्द क्या है बच्चा, सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकता क्योंकि वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होती है, इसलिए सिंगुलर के लिए आएगा सीम्स, एस और ईएस वाला फॉर्म आएगा, ना तो प्रेज ना ही ब्लेम सीम्स टू अफेक्ट हिम। बहुत तुम लोगों का आंसर गलत होता है ना, पढ़ते लिखते नहीं हो मेरे भाई।
ध्यान रखना, नाइदर नॉर का कॉन्सेप्ट बहुत आसान होता है बेटा, कुछ नहीं है, हलवा है, लेकिन बस याद नहीं रहता है दिमाग में। करना क्या, नॉर आ जाए तो उसके बाद वर्ब देखना, वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस और ईएस लगा देना बच्चे, और कुछ नहीं करना है मेन वर्ब में, ठीक है। लेकिन सिर्फ वर्ब की बात है, और अगर हेल्पिंग वर्ब आई होती इजे मारा या होता बच्चे, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब आया होता तो क्या करते, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते फिर हम। ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं, समझना हो डीप में तो किसी ने ग्रामर पढ़ा देंगे। अगला सेंटेंस है, मैनी अ मैन हैज सकम्ड टू दिस टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मतलब बच्चे होता है लालच, और सकम्ड मैंने कल ही बताया था, मैंने यह भी बताया था कि सकम्ड वर्ड के साथ प्रेपोजिशन टू हमेशा आता है, ऑलवेज। ये तो ये चीज़ तो सही लिखी हुई है, इसके अलावा और क्या एरर हो सकती है। मैनी अ मैन हैज सकम्ड टू दिस टेम्पटेशन, बहुत सारे व्यक्ति इस लालच के आगे घुटने टेक चुके हैं या हार मान चुके हैं। सकम्ड टू समथिंग का मतलब होता है हार मानना या घुटने टेक देना, ठीक है, हार मानना या घुटने टेक देना। सकम्ब टू, सकम्ब टू, सकम्ब टू पढ़ते हैं इसको, सकम्ब है ये वर्ड होता है, SUCCUMB, सकम्ब, और इसके साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू लगाया जाता है विच इज ऑलरेडी यूज। सो ये चीज़ तो सही लिखी हुई है। सर माना हलवा है बट मौसम नहीं है अभी खाने का। हाँ, अभी तुम लोग को टफ लग रहा होगा ना, इसलिए मौसम नहीं है, लेकिन बच्चे कुछ नहीं, प्रैक्टिस कर लोगे तो आसान हो ही जाएगा भाई। रूल समझते चलना, मैं इसलिए प्रीवियस और क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो प्रीवियस ईयर से इसलिए बताना होता है क्योंकि आप समझ सको कि एग्जाम में असली में क्या आता है। हवाबाजी में नहीं पढ़ना है कि कुछ भी मुंह उठाया पढ़ लिए, है ना। कोचिंग है वहाँ कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, किताबें भरवाई जा रही हैं। मैंने आज तक कभी किताबें कॉपियाँ ना भरवाई हैं लड़कों की। मैंने कहा बच्चा दो कॉन्सेप्ट सीखो, दो कॉन्सेप्ट, लेकिन वो दो कॉन्सेप्ट एग्जाम में अप्लाई होने वाले तो हों। पता लगा सीखे जा रहे हैं फालतू की चीज़ें, ट्रांसटेव इन ट्रांसटेव, घुइया, लहसुन, पुदीना, धनिया, नींबू, मिर्चा, अब बाद में आवत कुछ नहीं है, दिक्कत हो जाता है। फिर आंसर बतावें, बहुत लेट हो रहा है, मैं आंसर बता देता हूँ बच्चे। इसका आंसर होगा नो एरर, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। मैनी अ मैन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट समझ लो। यहाँ पर दो रूल हैं, एक तो सकंब के साथ टू लगाया जाता है बेटा, और दूसरा रूल और समझ लेना कि मैनी के साथ जो शब्द आता है, मैनी के साथ वो आता है प्लूरल नाउन, और प्लूरल ही नाउन के साथ साथ वर्ब भी जो आती है वो प्लूरल आती है, ठीक है। नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल आती हैं, के शब्द के साथ, मैनी के साथ, लेकिन इसी में से होता है मैनी अ। तो ध्यान रखेंगे अ आर्टिकल सिंगुलर होता है, तो उसके बाद आने वाली चीज़ भी कैसी आती है, सिंगुलर। तो नाउन हो उसके बाद या फिर वर्ब हो, वो कैसी आती है, सिंगुलर आती है। शुभम डी, पंकज डी, राजपूत, ठीक है। चलो भाई आ जा बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स आर अलाउड टू ईच स्पीकर, हर स्पीकर को, हर बोलने वाले को 15 मिनट का एक टाइम स्लॉट अलाउड अलाउ किया गया है। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं एनडीए में, मैं बता रहा हूं बेटा। तुम लोग मेरे से एक दिन ढंग से पढ़ लो वर्ब, एक दिन ढंग से वर्ब पढ़ लो, तमीज से सिखा दूंगा, वर्ब का एरर जिंदगी में गलत नहीं होगा। और वर्ब में दो ही चीजें आपको ध्यान देनी है, एक सिंगुलर वर्ब क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। और वर्ब में ही एक चैप्टर बहुत जरूरी होता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। चलो भाई, आदित्य साहू गायब ही हो गए यार, तुम लोग तो आंसर बिल्कुल नहीं दे पा रहे हो। टाइम्स आ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स, एक 15 मिनट का टाइम स्लॉट अलाउड है सभी, सॉरी प्रत्येक स्पीकर के लिए, प्रत्येक बोलने वाले के लिए। ईच मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक या हर। शुद्ध हिंदी बताने के बाद अगर सेंटेंस गलत होता है तो दिक्कत हो जाती है। पढ़ ले मेरे भाई, ऐसे ना होगा सिलेक्शन, कब पढ़ाएंगे। मैं वर्ब पढ़ा दूंगा बच्चे, वर्ब एक्चुअली कम से कम 5 डेज चलने वाला है, वर्ब छोटा टॉपिक नहीं है, 5 to 7 डेज खा जाएगा आराम से, जब 1 घंटे की लगातार क्लास चले तब, जब मैं बोलता ही रहूं। शाबाश शुभम, वेरी गुड भाई। आर टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट, भाई ये करा क्या गया है, लिखा गया है 15 मिनट का एक टाइम स्लॉट, एक
और एक के हिसाब से यहाँ पर आर नहीं होना चाहिए था, यहाँ होगा इज। शाबाश, मौज कर दी। 9 का 20, शुभम सिंह का सही आंसर, आदित्य साहू का सही आंसर। कब वर्ब होगा सर, पंकज इज आस्किंग। ठीक है मेरे भाई, बाकी बहुत लोगों का आंसर सही आ गया। चलो शाबाश, सही क्या, बहुत लोग क्या, शुभम का आंसर सही है, आदित्य साहू का आंसर सही है। वर्ब हम बताते हैं, करा देते हैं आपको, एग्ज़ाम के पहले तो करा ही देंगे, तो 4-10 दिन में देखते हैं व्यवस्था, वर्ब का चैप्टर आपको करा देते हैं ताकि ये चीज़ समझ जाओ। बहुत ढंग से समझा दूंगा, जीवन में दिक्कत नहीं होगी। तो क्या हुआ गुरुदेव, गुरुदेव पढ़ा दीजिए। अरे भाई, 10वें का आंसर मैंने बता दिया, भी आज आंसर आ जाओ उसमें, क्वेश्चन नंबर 10 पर। ही आस्क्ड वेदर आइदर ऑफ द ब्रदर्स, फिर से वही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, साला एनडीए वाला पगला जाते हैं का। 5वां क्वेश्चन वर्ब का है ये, 5वां क्वेश्चन, पहला वाला और उसके बाद ये 4 लगातार। बताओ इतना अगर वर्ब आती है तो काहे नहीं सीखोगे भाई, या वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का चैप्टर, और मैं सब पढ़ाया हुआ हूँ क्लास में, अगर मेरे से पढ़े होगे तो याद होगा, किसी ने किसी क्लास में मुझे लगता है मैंने पढ़ाया होगा ये वाला। भाई 2 कौड़ी का चैप्टर होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और रटे रटाए वर्ड्स हैं, बताओ सामने रखा हुआ है आंसर। जिसको पढ़ा दिया हूँ बच्चा वर्ब, उसकी नैया पा रही हो गई सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की, दिक्कत ना हुई है जीवन में उसको, हद मचा दिया है। बताओ भाई ये खाए हो तुम लोग कभी? हाँ ना, जो तो का हुआ पढ़ा दीजिए भैया, आंसर बताओ। अच्छा, ही आस्क्ड वेदर आइदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम, उसने पूछा कि 2 में से कोई एक भाई मौजूद था क्या। हम मैंने ऐसे बता दिया है हिंदी में, अब इसके बाद भी आंसर गलत होता है तो ढक्कन हो एक नंबर के, कुछ नहीं आता फिर तुम्हें, तुम शून्य हो, है ना। अच्छा, शून्य से स्टार बनने में बड़ा आसान है ये, और ये यही तुम्हें चाहिए जीवन में, स्टार ही लगने तुम्हारे कंधों पर जो कि चमकेंगे, घर भी तुम्हारा चमकेगा। आंसर बताओ। अच्छा, ये जो चीज़ है, ये पान खाए हो पनवाड़ी के यहाँ पान, उसमें वो जो स्टार डालता है ना मीठा वाला, जैसे मीठा पान लगाया जाता है, वो अच्छा लगता है। शुभम सिंह, अजीत कुमार आए हैं बड़े लेट लपाट, बता रहे हैं सी। अजीतवा बेटा बहुत देर आए हो, 7:30 बजे आए हो, क्या दिक्कत है, 7:32 हो रहा है भाई। सही आंसर है वॉज। जीवन में एक बार सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ा दिए ना तो ये ससुरा आइदर ऑफ एवरी वन ऑफ ये सब का केस हम खत्म करके रहेंगे, इसलिए ढंग से सीख लेना, आंसर है सी। शाबाश। चलो भाई अब आ जाते हैं इस कांड पर, और ये कांड बड़ा है टफ। इसमें बच्चे आपको लगाना है आज अपोजिट, विपरीत, और तुम लोग की वोकैबुलरी हमें पता बड़ी गंदी है, कुछ आता है नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, हिज कॉन्वर्सेशंस आर ऑलवेज एब्सर्ड, उसकी जो वार्तालाप रहती है वो हमेशा एब्सर्ड रहती है। बताओ भाई इसका अपोजिट क्या होगा? अपोजिट बताने से पहले इसका मीनिंग आना चाहिए। तो अपोजिट फार्सिकल होगा, फूलिश होगा, प्रीपोस्टरस होगा, या रेशनल होगा। किसी वर्ड का उच्चारण सिखाऊं तो सुन लेना, क्योंकि बड़ा काम आएगा बेटा। कौन बताएगा इसका आंसर? हास्यपद। एब्सर्ड का मतलब बच्चे हास्यपद थोड़ी होता है, फार्सिकल का मतलब होता है हास्यपद। बेटा इतना शुद्ध हिंदी कहां से मिल रहा है तुमको, हमको ये बताओ पहले तो। डी मजाकिया रहता है, डी 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 डी, ओके। सो रवि दीवाना हैज ऑल्सो गिवन द राइट आंसर। शाबाश भाई, एब्सर्ड जो वर्ड है इसका अपोजिट तो ये जाएगा आंसर, और यहाँ पर आपके साइड में वोकैबुलरी दे रखा है बच्चे। देखो एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? बेढंगा या बेतुका। तो यानी बोला जा रहा है कि उसकी कॉन्वर्सेशन, उसकी वार्तालाप हमेशा बेढंगी रहती है। फार्सिकल का मतलब होता है हास्यपूर्ण, तो बेढंगी बात होगी तो हास्यपूर्ण होगा, यानी सिनोनिम हो गया। फूलिश मतलब मूर्ख, मूर्ख बातें, बेढंगी बातें। प्रीपोस्टरस का मतलब क्या लिखा हुआ है?
निरर्थक, जिनका कोई मतलब नहीं होता है, एब्जर्ड हो जाती हैं। बचेगा तुम्हारे पास रेशनल, जिसका मतलब होता है तर्कसंगत, यानी जो बातें समझने योग्य होती हैं उन्हें कहा जाता है रेशनल। तो भैया 11वें का लग गया है आंसर डी, और ये जो वर्ड साइड में चल रहे हैं इनको कर लेना नोट, नहीं पटक के पे ले जाओगे, समझ लेना पहले। आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 12 का। सर मेरा वोकैब थोड़ा सा अच्छा है, संजीव सर से पढ़ा हूँ। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। चलो बच्चा, द पॉलिटिशियन वॉज अ डिसिडेंट, जो राजनेता था वो कैसा था, डिसिडेंट था। अब इसका भी सबका अपोजिट बताना है, 10 क्वेश्चन है एंटोनिम के, सिनोनिम विनोनिम कुछ नहीं है आज। तो एजिटेटर होगा, रेबल होगा, कन्फर्मिस्ट होगा या रेवोल्यूशनरी होगा। रेवोल्यूशनरी तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो फ्रीडम हमको मिली है बच्चे आज, ये जो हमको फ्रीडम मिली है ना, बहुत सारे रेवोल्यूशंस और बहुत सारे रेवोल्यूशनरी लोगों के द्वारा, मेहनत करने के द्वारा ही मिली हुई है। अन्यथा आपको कभी फ्रीडम ना मिली होती, हम आपके सामने इस तरह से बैठ कर फुर्सत में पढ़ा ना रहे होते बेटा। द पॉलिटिशियन वॉज अ डिसिडेंट, आंसर बताएं इसका क्या होगा जल्दी से। आंसर बताओ फटाक से बच्चा इसका। ओके शुभम सिंह, कन्फॉर्मिस्ट, ठीक है भाई आंसर मुझे मिल गया है। 12वें का होगा सी, जिनका भी था कन्फॉर्मिस्ट। देखो भाई अब बारी आती है कि इन सारे वर्ड्स का मीनिंग, तो एक एक करके साइड में आपके मीनिंग आएगा। डिसिडेंट का मतलब होता है असंतुष्ट, यानी कि वो हमेशा किसी न किसी चीज़ की डिमांड करता रहता है, ठीक है। उसके बाद एजिटेटर का मतलब होता है आंदोलनकारी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेबल, रेबल का मतलब होता है विरोधी। रेबल द बागी करके एक मूवी है साउथ की, बहुत आया करती है अक्सर। अगला है कन्फॉर्मिस्ट यानी अनुसारक, यानी जो आंदोलन न करे, जो अनुसरण करे, पालन करे। कन्फॉर्म पढ़ते हैं इसको, कन्फॉर्म, कन्फर्म नहीं, कन्फॉर्म। उसके बाद रेवोल्यूशनरी होता है क्रांतिकारी, हमारे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान दे दी सिर्फ हमारी देश की आज़ादी के लिए। सो डिसिडेंट माने सर विरोध करने वाला या फिर मतभेद, इसका होता है पक्का सी, ठीक है शाबाश, वेरी गुड आदित्य साहू एज वेल एज और किसी ने, हाँ शुभम सिंह ने आंसर बताया था, ठीक है बच्चा वेरी गुड। ये जो वोकैब साइड में आज मैंने लिखी है जानबूझकर इसलिए लिख दिया बेटा कि कम से कम आप इसको नोट कर पाओ। और इसका पीडीएफ मैं क्या करूँगा, अभी क्लास के बाद भेज दूंगा टेलीग्राम पर, है ना, टेलीग्राम पर भेज दूंगा इसका पीडीएफ। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। He wrote an incisive article on corruption in politics. उसने क्या किया, एक incisive article लिखा जो राजनीति में भ्रष्टाचार है उसके बारे में। तो इसका synonym बताइएगा। विकास चचा is present. अच्छा विकास आ चुके हैं भाई, भाई इसका आंसर बताओ। incisive word का मतलब बताना है, incisive, इसका opposite बताना है। वेग होगा, पेनिट्रेटिंग होगा, ट्रेंचेंट होगा या प्रिसाइज होगा, बताएं। सारे वर्ड्स नोट जरूर कर लीजिएगा, भले ही मैं पीडीएफ फाइल भेज दूंगा, लेकिन हमारी लिखने से क्या होता है बच्चे, थोड़ा सा प्रैक्टिस होते चलती है। और ये वेग वर्ड कोई नया वर्ड नहीं है, अपने देश में जितने एग्जाम हुए हैं, SSC, बैंक, NDA, CDS, FCAT, एयरफोर्स, इवन क्लैट के एग्जाम में वेग वर्ड्स को पूछा जा चुका है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहाँ पर वेग वर्ड पूछा नहीं गया होगा। पेनिट्रेटिंग, ये सब ऐसे वर्ड है जो साला हर साल पूछ ले जाते हैं कहीं ना कहीं। आंसर बता रहे हैं आदित्य साहू ए, ठीक है भाई सही आंसर होगा वेग, वेरी गुड भाई। इंसिसिव का मतलब होता है बच्चे भेदक, क्या होता है भेदक, है ना, जो चोट पहुंचा दे। पेनिट्रेटिंग इसका सिनोनिम होता है, ठीक है। अच्छा हिंदी तो लिखा हुआ, मैं क्यों लिख रहा हूं। देखो इंसिसिव का मतलब हुआ भेदक, वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, जो अनक्लियर हो, पता ही नहीं किस चीज के बारे में है। पेनिट्रेटिंग का मतलब भी भेदने वाला, ट्रेंचेंट का मतलब होता है तीव्र, और प्रिसाइज मतलब होता है ठीक। तो आपके पास ये 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 पेनिट्रेटिंग, ट्रेंचेंट और प्रिसाइज जो है, ये लगभग इसके सिनोनिम है, बट हमें लगाना था ऑपोजिट विच इज वेग। वेग का मतलब अस्पष्ट वर्ड। ये सब डिफिकल्ट वर्ड है सर, बिल्कुल बच्चा, डिफिकल्ट तो वही है ना जो आता नहीं है। आई एम नथिंग सर, भड़कीला इंसिसिव, ठीक है, भड़कीला या भेदक, ठीक है सही है, सही है बच्चा आदित्य शाहू।
14वें पर आ जाते हैं, राकेश इज एन इसेंट्रिक प्रोडिगल। इसेंट्रिक का मतलब होता है झक्की, ये मैं बता देता हूँ क्योंकि इसका आपको आंसर बताना नहीं है। इसेंट्रिक के बाद वर्ड लिखा हुआ है प्रोडिगल, इसका आपको बताना है अपोजिट। सारे वर्ड्स नोट करते चलेंगे बच्चा लोग, यही सब कुछ पूछा जाता है। आदमी क्या करता है ना, जब कहीं कोचिंग में एडमिशन लो तो तुमको बता देंगे 5000 वर्ड हैं, अब तुम पगला गए, फिर कहेंगे हम 5000 तुमको याद करा देंगे। अब 5000 को याद करा देगा का? नहीं, ना याद करा सकता है, वो फालतू के दावे हैं, क्योंकि बुद्धि तो तुम्हारी है ना। तरीका 5000 शब्दों का कौन कौन बताएगा, कहाँ तक याद रहेंगे? दिक्कत ये हो जाती है बेटा कि हम उसको चीज़ को रिपीट नहीं करते हैं। बस रिपीटेशन करने लगो अपने आप याद हो जाएगा, लिखने लगो अपने आप याद हो जाएगा। अरे हमें कैसे याद हो गए, हम सिर्फ लिखते हैं, हम घंटा याद नहीं करते। एक वोकैबलरी मैं याद नहीं करता हूँ, मैं कभी बैठ के फुर्सत में वोकैबलरी नहीं देखता हूँ। अभी कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले मैंने किताब उठाई लूसेंट की, मैंने कहा देखे मुझे कितना आता है। लूसेंट के जीवन में पहली बार मैंने किताब उठाई थी ग्रामर की, और उसमें वर्ब के चैप्टर पर गया, वर्ब की सारी एरर देखी, वो जो वोकैब थी, मैंने कहा भाई सब तो आती है, 2-4 वर्ड मिले नए मुझको नहीं आते थे, मैंने लिख लिए, याद नहीं किए, याद नहीं करता मैं कद्दू। अरे दिमाग इतना थोड़ी है मेरे पास, ये फालतू चीज़ें करते घूमेंगे। आंसर बताओ इसका भाई, 14वें का डी, रवि दीवाना बता रहे हैं डी, शाबाश। तो अच्छा, अजीत का आंसर है गलत, रवि और आदित्य का आंसर है थ्रिफ्टी। भाई थ्रिफ्टी का जो मीनिंग होता है बच्चे, होता है कंजूस। क्या होता है? कंजूस, या किफ़ायती भी बोल सकते हैं, किफ़ायती यानी जो कम खर्च करता है। और प्रोडिगल, अरे यार मैं क्यों लिख रहा हूँ, मेरी आदत हो गई। देखो प्रोडिगल का मतलब बच्चे क्या होता है, खर्चीला। अगला वर्ड हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब खर्चीला, वेस्टफुल मतलब खर्चीला, चौथा वर्ड प्रोफ्लीगेट मतलब अपव्ययी मतलब खर्चीला, थ्रिफ्टी मतलब कंजूस। ये सारे वर्ड आपस में क्या हैं, सिनोनिम्स हैं बच्चे, सेम हैं सारे वर्ड्स, सेम हैं। अच्छा 100% सिनोनिम नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंजूस। 14वें पर आ जाते हैं, 14वें पर 15 पर आते हैं, आफ्टर 14 नंबर क्वेश्चन विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। फ्रेंडशिप इज ऑलवेज रेसिप्रोकल, जो मित्रता होती है वो हमेशा रेसिप्रोकल होती है। आंसर बताइएगा इसका क्या होगा, 15वें का आंसर क्या होगा, म्यूचुअल वन साइडेड शेयर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग। मेरी फोटो पीछे आ रही होगी शायद थ्रिफ्टी वाले उसमें, हाँ फोटो पीछे आ रही थी शायद, आंसर आपको ना दिख रहा हो, कोई बात ना भैया। 6 लोग लाइव हो रहे हैं, 7 लोग हो रहे हैं, क्या बात है भाई, कहाँ जा रहे हो भैया, कौन सी इमरजेंसी तुमको, किस किस की किसकी गर्लफ्रेंड बुला रही है, हैं चले जाते हो, अरे आओ कभी हवेली में। चलो भाई आंसर बताओ, आंसर 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 वन साइड, ठीक है भाई शाबाश। रवि का आंसर सबसे पहले आया है, उन्होंने कहा है सर वन साइड, वेरी गुड। 15वें का लगेगा बी, रेसिप्रोकल का मतलब बच्चे होता है पारस्परिक। क्या होता है? पारस्परिक होता है, इसका मतलब हिंदी शुद्ध हिंदी ऐसे लिख नहीं पाएंगे, पारस्परिक यानी आपसी कह सकते हैं, शुद्ध हिंदी यहाँ पर लिखी हुई है सारे वर्ड्स की। रेसिप्रोकल का मतलब पारस्परिक, म्यूचुअल मतलब भी पारस्परिक या फिर आपसी, वन साइडेड मतलब होता है एक तरफा, मोहब्बत एक तरफा होती है शुरुआत में। शेयर्ड का मतलब भी होता है बंटवारा करके आपस में, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है संबंधित या जुड़ा हुआ एक दूसरे से। तो ये दो वर्ड और ये और बाकी ये 4 वर्ड आपस में थे सिनोनिम आपके पास, एंटोनिम बताना था, वन साइडेड बी इसका आंसर हो जाएगा। द डिबेट वॉज हाईली स्टिमुलेटिंग, जो डिबेट था वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करने वाला था। स्टिमुलेटिंग का बच्चे सिनोनिम क्या होता है, सॉरी ऑपोजिट क्या होता है, स्टिमुलेटिंग का ऑपोजिट क्या होता है? यही टाइम है बट मुकेश, यही टाइम है गर्लफ्रेंड से बात करने का, और यही टाइम है जिंदगी बर्बाद करने का, और यही टाइम है जिंदगी आबाद करने का। मुझे लगता है ना भाई, अभी हम तुमको बता रहे हैं, अभी हमारे घर वाले शादी.com पे बच्चा प्रोफाइल बनाए कि शादी.com पे लड़के की शादी करा देते हैं। ससुरा सकल अकल अच्छी नहीं लड़कियों की, सकल की कूड़ा, ठीक है, खुद कुछ नहीं कर रही, खुद की प्रोफाइल में क्या लिखा है बेटा, नॉट वर्किंग, क्या लिखे हैं,
नॉट वर्किंग, और उनका सैलरी कितनी चाहिए? अबव 15 लाख, अबव 15 लाख, 15 लाख से सैलरी चाहिए। और सुनो, सैलरी तो सैलरी छोड़ो, लिखे हैं गवर्नमेंट में चाहिए इन्हें। अरे खुद की शकल नहीं देखी है वो, और ऊपर से यो लिख देते हैं नो डाउरी, हम दहेज नहीं देंगे। तो घुइया साला तेरे साथ हम ब्याह करेंगे हैं, जब तुमको कुछ देना ही नहीं है, तेरे पास शकल नहीं बटे, तेरे पास काम नहीं है, पैसा अलग से चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, वो दहेज नहीं दोगे, ये साला कैसा कहाँ बुझा जाएगा हैं, ये काम संभव नहीं है। तो भैया इसलिए सरकारी नौकरी ले लो ढंग से, है ना। द डिबेट वॉज हाईली स्टिमुलेटिंग, चिंतित कर देने वाला था। चलो मेरे भाई हिंदी देख लेते हैं एक एक वर्ड की। पहला स्टिमुलेटिंग मतलब होता है उत्तेजक, आप पे जो एनर्जी भर दे, ठीक है। अगला वर्ड है अराउजिंग मतलब जोशवर्धक। उसके बाद है इनवाइगोरेटिंग, है ना, वो भी होती है उत्तेजक। अगला है बोरिंग उबाऊ, और अगला वर्ड है स्टरिंग मतलब होता है उत्तेजक। हो सकता है मेरी फोटो की वजह से आपको इनमें से बहुत सारे शब्दों का हिंदी अभी ना दिख रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही मेरा फोटो हटेगा, जब मैं PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर भेजूंगा, तो उसमें सारे में आपको ये मिल जाएंगे इसके हिंदी मीनिंग। सही आंसर लगेगा सी, द डिबेट वॉज बोरिंग, उत्तेजक नहीं था, जोशवर्धक नहीं था, कहने का मतलब, क्योंकि ऑपोजिट लगाना था हमें तो बोरिंग हो जाएगा बच्चे, थकाऊ। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए बच्चे, प्रोमिनेंट शब्द का हमें बताना है सिनोनिम। गांधी जी वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ हिज टाइम्स। गांधी जी अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध या मुख्य लीडर हुआ करते थे। सर मेरा डेटा खत्म हो गया है, 15 वाला मेरा सही था। हाँ सही था बेटा वो। अच्छा भाई डेटा खत्म हो गया तो बेटा बचा है ना अभी, कहाँ डेटा खर्च कर देते हो, डेटा एक्स्ट्रा डला लिया करो भाई, 10 रुपया 11 रुपया पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा डला के रखो। और ये भी बता देते हैं, अगर तुम लोग के आसपास वोडाफोन का नेटवर्क है, पहले तो चेक कर लेना वोडाफोन का सिम का नेट कैसा चलता है तुम्हारी तरफ। अगर वोडाफोन का सिम अच्छा चलता है तुम्हारी तरफ तो पोर्ट करा लो, क्योंकि वोडाफोन में बच्चे 3 GB डेली डेटा मिलता है, 3 GB भी मिलता है, 4 GB भी मिलता है 800 रुपये के प्लान में, ठीक है बस। और एक चीज़ ये होता है कि मंडे टू फ्राइडे क्या करता है, ये सारा डेटा जो आप खर्च नहीं कर पाएंगे वो आपको सैटरडे और संडे को जोड़कर दे देता है। तो कब पता लगा, संडे को 20 GB 18 GB ऐसे डेटा होता है, सैटरडे और संडे दो दिन रोल ओवर कर देता है। DDD शाबाश, इसमें आंसर सब लोग का आ गया है। चंदन कुमार महतो बता रहे हैं भाई जो आंसर वो है गलत। भाई प्रोमिनेंट का सिनोनिम होता है बेचारा चंदन एमिनेंट। डिस्टिंग्विशल का मतलब होता है अलग करना, रिनोन्ड का मतलब भी सेम होता है पॉपुलर जिसे प्रसिद्ध बोला जाता है, अननोन का मतलब हो जाता है जिसके बारे में कुछ पता ना हो। तो यहाँ पर हम आंसर लगाने से पहले आपको सारे हिंदी दिखा देते हैं जो कि साइड में रखे हुए हैं, सॉरी आ जाते हैं यहाँ पर। ये देखो डिस्टिंग्विशल अलगाने योग्य अलग कौन होते हैं, जो बेहतर लोग होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं। अननोन मतलब जिनको कोई जानता ही नहीं था, डी लग जाएगा, अजीत का आंसर सही है और बाकी सारे लोगों का भी, जिन्होंने रवि ने भी आंसर दिया है और भी बच्चों ने दिया। सर जिनकी पास्ट में ये आज वो आज बीन रहे हैं, बहुत मज़ा आता है उनकी शक्ल देख कर। हाँ तो बेटा तू कब पढ़ाई कर ले, है ना। मलेरिया इज़ अ वाइड स्प्रेड डिजीज़, मलेरिया क्या है, व्यापक बीमारी है, व्यापक, वाइड स्प्रेड मतलब व्यापक होता है, जो फैली हो, वाइड स्प्रेड, वाइड मतलब वैसे चौड़ा होता है। जब हम बोलते थे ना कि गेंद वाइड है, वाइट बॉल, वाइट बॉल, हम बचपन में हमारा अंग्रेजी ऐसा था कि जब गेंद बाहर निकल जाती थी स्टंप के तो बोलते थे वाइट बॉल, सोचते थे यार गेंद तो वाइट है नहीं, सफ़ेद तो है नहीं। बाद में हमने पढ़ा कि वाइड मतलब होता है वाइड, वाइड मतलब होता है चौड़ा, यानी जब चौड़े से गेंद निकल जाती है तो उसको बोलते हैं वाइड बॉल। और इसका अपोजिट होता है बच्चे नैरो, नैरो मतलब होता है सकरा, नैरो गलियां, सकरी गलियां जिसको होती है तेरी गलियां, ठीक है। तो भैया एंडेमिक अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, परवेजिव कॉमन रेयर, बताइएगा अपोजिट ऑफ द वर्ड वाइड स्प्रेड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था एंडेमिक का मतलब, पहला वर्ड परवेजिव, परवेजिव मतलब व्यापक, वाइड स्प्रेड का सिनोनिम होता है परवेजिव। अगला शब्द है एंडेमिक जिसका मतलब होता है स्थानीय। तो मेरे भाई इसका ऑपोजिट जो लगेगा वो लगेगा एंडेमिक, आंसर आ चुका था रवि का इसलिए मैंने बता दिया है। 29
सर बहुत कम लोग लाइव आते हैं, 29 से 10 पर आ गए हम लोग। हाँ बच्चे बात तो सही कह रहे हो अजीत, लेकिन क्या करना है, क्या करना है, जिसको नहीं आना है नहीं आएगा, जिसको सीखना है वो सीखेगा बेटा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलियंस वाले जहाँ चैनल हैं, लाख लाख पाँच पाँच मिलियन चैनल हैं, वहाँ भी मैं देख रहा था 5 लोग लाइव बैठे थे। क्या करना है, देखो ये पढ़ने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो बैठना चाहता है कि नहीं बैठना चाहता है। शिवम सिंह इज टेलिंग द आंसर रेयर, गलत है भाई, एंडेमिक होता है, ठीक है। वाइड स्प्रेड का जो ऑपोजिट जाएगा दैट वुड बी एंडेमिक, मतलब स्थानीय। मलेरिया वाइड स्प्रेड डिजीज है, उसका ऑपोजिट जाएगा एंडेमिक यानी स्थानीय, यानी ज़्यादा फैली नहीं है। रेयर का तो मतलब हो जाएगा पूरी तरह से कि ये मिलती ही नहीं है, लेकिन वो बोल नहीं रहा है, उसकी क्वालिटी नहीं बता रहा, वो बता रहा है कि ये वाइड स्प्रेड चारों तरफ फैला हुआ है। तो स्थानीय मतलब जो सिर्फ एक स्थान में फैला हुआ है, ज़्यादा फैला नहीं हुआ है, एंडेमिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं और वेहमेंट का आंसर लगाते हैं। द बिल रिसीव्ड अ वेहमेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट। जो बिल पास किया गया था तो विरोधी पार्टी की तरफ से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। रेजिस्टेंस का मतलब होता है बच्चे विरोध, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, विरोध होता है। तो विरोधी पार्टी की तरफ से क्या किया गया, वेहमेंट टाइप का विरोध। अब वेहमेंट का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता है, अभी अभी हम बता देंगे थोड़ी देर में, लेकिन इसका आंसर बताइएगा 19 का क्या लगेगा। एनिमेटेड का मतलब आप जानते हैं, बनावटी जिसे बोला जाता है, एनिमेटेड मैं बता देता हूँ, कार्टून जो होते हैं वो एनिमेटेड होते हैं, बनावटी। इसके बाद है अपैथेटिक, फर्वेंट, विगरस, इसको विगरस पढ़ा जाता है या विगोरस भी कुछ लोग पढ़ते हैं, विगरस। आंसर बताइएगा इसका क्या होगा, आंसर बताओ बच्चा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 19। द बिल रिसीव द वेहीमेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी। जो बिल था है ना, जो प्रावधान लाया गया, उसने क्या किया, बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस मिला अपोजिशन पार्टी की तरफ से, वेहीमेंट रेजिस्टेंस। आंसर कोई बताएगा कि मैं बता दूं, चलो 1 2 3 1 2 3 विल गो फॉर द हिंदी मीनिंग ऑफ ईच वर्ड। वेहीमेंट का मतलब होता है जोशीला, बहुत तगड़ा, भयानक वाला। तो भयानक वाला विरोध मिला था जब बिल पास करने सरकार गई, उसको बहुत तगड़ा विरोध मिलना शुरू हुआ। विगरस का मतलब भी जोशीला, यानी ये दो तो सिनोनिम हो गए, वेहमेंट का सिनोनिम हो गया विगरस, तो हमारा आंसर होगा नहीं। अगला वर्ड है फर्वेंट, फर्वेंट भी हमारा इसका सिनोनिम है, तो ये भी हमारा इसका आंसर होगा नहीं। एनिमेटेड मैंने आपको बता दिया है, बचा हुआ है अपैथेटिक, जिसका मतलब होता है उदासीन, उदासीन, न्यूट्रल, ना ना में ना हा में। तो इसका ऑपोजिट बच्चे जो लगेगा वो लग जाएगा उदासीन, अपैथेटिक, ठीक है। सर आप तो हमेशा क्लास कंटिन्यू रखेंगे ना, कहीं ऐसा ना हो कि कम लोगों के लाइव आने के कारण बंद ना कर दें। बच्चे 5 से 10 लोग लाइव आते रहेंगे तो एनडीए की क्लास चलती रहेगी, 5 से 10 लोग लाइव आते रहें, डेली 2-4 सब्सक्राइबर बढ़ते रहें, 2-4, 5-10 मेहनत करते रहो तुम लोग, इतना होता रहेगा। और एनडीए का जब तक 14 नवंबर तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, तब तक मैं एनडीए के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा और आपको बहुत कुछ सिखाने का पूरा प्रयास करूंगा बच्चे। तो वेहमेंट बच्चे मतलब होता है जोशीला, और इसका ऑपोजिट होता है अपैथेटिक, मतलब उदासीन, मतलब शांत बैठे एकदम लुल्ल बने, है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। ही हैज़ बीन ऑब्स्टिनेट सिंस हिज चाइल्डहुड, इसका भी ऑपोजिट बता दीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ द डिस्कशन ऑफ द एनडीए 2019। 2019 के सारे वर्ड हैं, ये सारे वर्ड आए हुए हैं बेटा, ऐसे ही पेपर आता है। अगर तुम्हारी तैयारी ढंग की नहीं है तो तुम फेल हो जाओगे, इसलिए तैयारी सही करें, बेहतर करें। चलो भाई इसका आंसर कौन बताएगा, ही हैज़ बीन ऑब्स्टिनेट सिंस हिज चाइल्डहुड, वो बचपन से ऑब्स्टिनेट रहा है। ऑब्स्टिनेट, 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 ऑब्स्टिनेट का सिनोनिम मैं आपको बता सकता हूँ बच्चे, यहाँ पर ये दे रखा है। थैंक्स सर, लव यू, अरे बच्चा लव यू टू, बच्चा लव यू ऑल, अरे आप लोग की वजह से तो आज बैठा हुआ हूँ घर पर, मुझे पता था कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं घर पर बैठ गया, है ना, हजारों रुपए की नौकरी छोड़कर, सिर्फ आप लोग के प्यार की वजह से। चलो इसी बात पे खा लेते हैं थोड़ा सा स्टार, क्योंकि मुंह हो रहा है, सूख रहा है। चलो भाई
सिनोनिम बच्चे यहाँ पर दे रखा है स्टबर्न, एमिनेबल। भाई रवि तुम्हारा वोकैबलरी बड़ा अच्छा हो रहा है, शाबाश भाई। स्टबर्न का मतलब क्या होता है? जिद्दी। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, ठीक है भाई। तो वो बचपन से जिद्दी रहा है। डॉज्ड का मतलब भी होता है जिद्दी। प्रियांशु कुमार, हाय, जय हिंद प्रियांशु। एंड आफ्टर दैट वी हैव द वर्ड एमिनेबल। एमिनेबल का मतलब होता है जिम्मेदार। अगला वर्ड है रिजिड, मतलब कठोर। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि आपको इसका आंसर पता ही चल गया है। सही जो आंसर होगा दैट वुड बी सी। 20 का बच्चे लगाएंगे हम जिम्मेदार, एमिनेबल, यानी कि सी। क्यों? क्योंकि हट करने वाले जिद्दी लोग कभी जिम्मेदार नहीं होते और कठोर व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है ना। यहाँ पर कठोर वर्ड को सिनोनिम मान सकते हैं स्टबर्न और ऑब्स्टिनेट का, डॉस्ट का। ध्यान दीजिएगा, ऑब्स्टिनेट का एग्जैक्ट सिनोनिम होता है स्टबर्न। हम सारे लोग बच्चे बचपन में कैसे थे? ऑब्स्टिनेट थे हम सारे लोग, स्टबर्न थे हम बहुत ज़्यादा थे। स्कूल जाने में तो जिद करते थे कि हम नहीं जाएंगे, ना जाने में एक्चुअली जिद करते थे। कोई चीज़ खरीदनी है, कोई चीज़ मांगनी है पेरेंट्स से, तो उसके लिए जिद कर देते थे। तो हम सब ऑब्स्टिनेट हैं, हम सब जो है डॉज्ड हैं, हम सब स्टबर्न हैं। बट हमें बनना कैसा है? आफ्टर बिकमिंग द एनडीए ऑफिसर वी हैव टू बी एमिनेबल। एमिनेबल कैसा बनना है हमें? एमिनेबल बनना है। एक एनडीए ऑफिसर को, एक ऑफिसर को एमिनेबल बनना बड़ा अनिवार्य होता है, बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी बनिए एमिनेबल, रिस्पॉन्सिबल। सिनोनिम इसका लिख लीजिएगा, रिस्पॉन्सिबल। चलिए बच्चा लोग, तो ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त। आप लोग आए, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि बच्चे कुछ ना कुछ आप सीखते ज़रूर होंगे। और कोशिश करना कि ये वोकैबुलरी जो है इसको लिखना। ये पीडीएफ फाइल आपको मैं टेलीग्राम पर भेजी दूंगा, अभी लगभग एक घंटे के अंदर, या हो सकता है 10-15 मिनट के अंदर आपके पास ये पीडीएफ फाइल पूरी पहुँच जाएगी। पीडीएफ फाइल पहुँच जाए तो उसमें जितने इस तरह के वर्ड लिख रखे हैं उनको सारे में एक कॉपी बना लीजिए, उनमें सब में नोट करना शुरू कर दीजिए। मुलाकात करेंगे हम लोग कुछ बातों के साथ, जो आखिरी मेरी बातें हमेशा रहती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चा, बहुत बहुत थैंक यू यहाँ आने के लिए। 670 हमारे हो चुके हैं सब्सक्राइबर, तो बच्चे और लोगों को जोड़ते जाइए, क्योंकि हमें धीरे से 1K का लक्ष्य पार करना है। उसको पार करेंगे और वॉच द वीडियो एंड बी एक्टिव वाइल आंसरिंग। और साथ ही साथ टेलीग्राम पर अगर बच्चा आप नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पर अवश्य जुड़ जाइएगा। मुलाकात करते हैं कल फिर से 20 क्वेश्चन के साथ, 2019 के ही और क्वेश्चन या 18 के, जहाँ के भी हो पाएंगे। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते लिखते जरूर रहिए बच्चा। सीखते रहे तो आते रहिएगा। सर बच्चा मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, अजीत मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, यही तो हम में है। ना मेरा कोई रिप्लेसमेंट है और ना मेरी कोई जगह ले सकता है, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं गया तो कुछ नया होगा, भिन्न होगा, मेरी जगह कुछ नहीं होगा। चलिए मुलाकात करते हैं कल, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, खुश रहिए।